रामपुर में भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारियों ने ग्राहक सतर्कता अभियान के तहत निकाली रैली। उत्तर प्रदेश के रामपुर में भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी व पदाधिकारियों ने एकजुट होकर सतर्कता अभियान के तहत ग्राहकों को जागरूक करने के उद्देश्य से रैली निकाली और इस रैली को स्टेट बैंक मुख्य शाखा से लेकर शहर की जगह जगह मुख्य मार्गों में निकाला गया। क्षेत्रीय शाखा प्रबंधक मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस रैली का आयोजन ग्राहकों को जागरूक करने और सतर्क करना है, जिसकी वजह से ग्राहकों को अलग अलग तरह से धोखा दिया न जा सके, जिसके चलते इस रैली के माध्यम से ग्राहकों को जागरूक किया जा रहा है। इस रैली में रामपुर और संबल समेत 40 शाखाओं के कर्मचारी मौजूद रहे। 7 दिन से चल रही इस रैली को आज आखिरी दिन SBI के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च कर समाप्त किया। और क्या उद्देश्य है इसका? ये भारतीय स्टेट बैंक में मनाया जाने वाला सालाना आयोजन का एक हमारा ये सप्ताह चल रहा है, जिसमें हम अपने सम्मानित ग्राहकों को सतर्कता से संबंधित उनको जागरूक करते हैं। बैंक में आजकल जो ये धोखाधड़ी हो रही है, डिफरेंट तरीके के फ्रॉड्स हो रहे हैं, उनसे बचाव के लिए हम जनता को जागरूक करते हैं। उसी की कड़ी में 7 दिन का आयोजन किया जाता है, 28 अक्टूबर से लेकर 2 नवम्बर तक। तो पिछले 7 दिनों में हमने विभिन्न स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किए हैं, आज उसकी आखिरी कड़ी में इसका रैली का आयोजन किया गया है, जो कि पूरे शहर में रामपुर में भ्रमण करेगी और हमारी 40 शाखाओं के प्रतिनिधियों ने यहां पर हिस्सा लिया है। इसके अलावा लोगों को जागरूक करने के लिए क्या प्रयास करता है? ये समय समय पर हम लोग ग्राहक गोष्ठी का आयोजन करते रहते हैं हर मंथ, और कंट्री लेवल पर भी डिफरेंट पेपर्स में हर समय इसके एडवर्टाइजमेंट वगैरह निकालते हैं, तथा ग्राहकों को सम्मान करने के लिए डिफरेंट पेपर्स वगैरह भी हर समय इसको डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, जिससे वो जागरूक रहे। कितने बैंक के कर्मचारी मौजूद रहे? हमारे समय भारतीय स्टेट बैंक के 40 शाखाओं के कर्मचारी है, जिला रामपुर और जिला संभल। आगे क्या प्रयास है आपका? प्रयास यही है कि हमारे सम्मानित ग्राहक अपने पैसों का सही उपयोग कर सके और उनका सुरक्षित रहे पैसा। बैंक में जिस तरह के आजकल धोखाधड़ी हो रहे हैं, उससे बचाव का ही हमारा मुख्य उद्देश्य है और अच्छी ग्राहक सेवा प्रदान करना।